कंगना रनौत और आर माधवन की सुपर डुपर हिट फिल्म तनु वेड्स मनु के अगले पार्ट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फैंस ने दोनों की जोड़ी को एक साथ काफी सराहा है और वे चाहते हैं कि दोनों को एक साथ बड़े पर्दे पर फिर देखा जाए। लेकिन इस मूवी को लेकर अब आर माधवन ने एक बड़ी बात बोली है। दरअसल इन दोनों आर माधवन अपनी मूवी रॉकेट्री को प्रमोट कर रहे थे और ऐसी एक प्रमोशन के दौरान उनसे किसी ने तनु वेड्स मनु 3 पर सवाल पूछ लिया, जिसके बाद आर माधवन ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसको सुनकर सभी फैंस का दिल टूट गया। उन्होंने कहा कि तनु वेड्स मनु की एक और इंस्टॉलमेंट में उनके काम करने का चांस अब जा चुका है, इसलिए ये सब सोचने का अब कोई फायदा नहीं है। ओरिजिनल चीज लेकर आना बहुत कठिन है और फिर इस फिल्म से लोगों की भी बहुत उम्मीदें हैं। उनके हिसाब से अगर ये एवेंजर्स या किसी और सुपरहिट सीरीज का सीक्वल होता तो इसे बनाना आसान होता, क्योंकि तब काम करने के लिए एक टेम्पलेट होता है, मगर तनु वेड्स मनु के साथ ऐसा करना असंभव है। माधवन ने ये भी कहा कि अब वो दोबारा मनु नहीं बनना चाहते और इस फ्रेंचाइज पर आगे काम नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान माधवन ने अपनी आइकॉनिक बॉलीवुड फिल्म रहना है तेरे दिल में के रीमेक के बारे में जवाब देते हुए कहा कि इस फिल्म का रीमेक बनाना अब एक बेवकूफ़ी होगी और बतौर प्रोड्यूसर तो वो रहना है तेरे दिल में को कभी हाथ भी नहीं लगाना चाहेंगे। इन सभी बातों से साफ होता है कि इस बार तनु वेड्स मनु की फ्रेंचाइजी में आर माधवन नजर नहीं आने वाले, तो ये खबर फैंस को अब नाराज करने वाली है। वहीं से पहले के दोनों पार्ट्स बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन अब आप आर माधवन के अलावा और किस एक्टर को तनु वेड्स मनु में कंगना के साथ देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही एंटरटेनमेंट की सभी अपडेट्स के लिए देखते रहे हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।